अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हम लेक्चर के अंदर सीरीज अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज़ करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। सपोज करें कि मैं बिफोर इम्प्लीमेंटेशन इनटू द मैथमेटिका हम लोग उसकी एक एग्जांपल डिस्कस कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग उसको मैथमेटिका के ऊपर भी इम्प्लीमेंट करेंगे। सपोज करें कि आपके पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम लोग ये जो सिंपल फंक्शन है इसको हम लोग इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एन इज इक्वल टू जीरो टू कह लें कि इन्फिनिटी, और ए एन ए एक्स एन इस फॉर्मेट में, क्योंकि वाई जो है वो एक्स डिपेंडेंट है तो इस वजह से इसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसकी सीरीज फॉर्म है इस फंक्शन की। अब इसका अगर हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो पावर नीचे पावर में से कम होगा तो आपके पास ये वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग वाई प्राइम की जगह पे उसको पुट कर देंगे, माइनस टू एक्स एज इट इज़ आपके पास आ जाएगा। और इसके अलावा जो समीशन है, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया तो इस वजह से उसमें से जीरो टर्म जो है वो ख़त्म हो जाएगी, हमारे पास फर्स्ट से स्टार्ट होगी। सो उसके बाद अगर हम लोग इसका यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव है तो इसका हम लोग सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, पावर नीचे करेंगे, एन माइनस वन नीचे तो एन माइनस टू रह जाएगा, तो उसकी जगह पर हम लोगों ने एज इट इज़ पुट कर दिया। और सेकेंड डेरीवेटिव है तो इसका वजह से फर्स्ट और सेकेंड जो है ना जीरो और फर्स्ट टर्म जो है वो समीशन में से ख़त्म हो जाएगी, तो आपके पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस तरह से समीशन फॉर्म के अंदर लिखी जा सकती है। ओके, यानी कि इस सीरीज की फॉर्म में लिखी जा सकती है। अगर हम लोग अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो अगर आप लोग गौर करें तो ये वाली टर्म आपके पास एज इट इज है, इस टर्म के अंदर जो है यहाँ पे x था तो x जो है जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो x रेज टू पावर वन जो है वो ऐड होके उसको वापस किस में कन्वर्ट कर देगा, n में कन्वर्ट कर देगा। सो ये वाली सिंप्लीफिकेशन एज इट इज हो गई। अब उसके बाद यहाँ पे प्लस साइन आ गया, माइनस को हम लोगों ने यहाँ पे रख लिया है, ये हम लोगों ने फ्यूचर में थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी है सो इस वजह से ये काम किया है। जबकि यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें तो यहाँ पे हमने दो टर्म्स को ओपन कर लिया, यानी कि n इज इक्वल टू वन को ओपन किया है और n इज इक्वल टू टू को ओपन किया है, तो इस वजह से आपके पास n इज इक्वल टू जीरो से चले, यानी कि जीरो और वन टर्म को भी इसमें क्या किया है, इंक्लूड करवा लिया। ये हम लोग इस वजह से कर रहे हैं ताकि हम लोग सबमिशन के अंदर सेम स्टार्टिंग पॉइंट ला सकें। सो यहाँ पे जब हम लोग पुट करेंगे n इज इक्वल टू टू पुट करेंगे तो n की जगह पे क्या आ जाएगा, n प्लस टू आ जाएगा। इस n की जगह पे जब n n प्लस टू पुट होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n प्लस टू माइनस वन n प्लस वन आ जाएगा, और इस n की जगह पे n प्लस टू आ गया, और यहाँ पे आपके पास जो है n की जगह पे n प्लस जो है ना टू पुट हुआ तो टू माइनस टू से कैंसिल होने के बाद वापस आपके पास टू टर्म आ गई। सो इस तरह से ये वाली जो सबमिशन है वो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गई। अब जब हम लोग इसमें से जो है ज़ीरो टर्म को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास n इज इक्वल टू ज़ीरो वाली टर्म, ये आपके पास स्टार्टिंग ज़ीरो से शुरू हो रही है, ये आपके पास वन से शुरू हो रही है, यहाँ पे भी आपके पास ये ज़ीरो से शुरू हो रही है। सो इसको हम लोग कुछ इस तरह से कन्वर्ट करना चाहते हैं कि यहाँ पे n इज इक्वल टू ज़ीरो वाली टर्म को इसमें से ओपन करेंगे तो बाकी सपोज करें ये ज़ीरो से लेके वन टू थ्री फोर इन्फिनिटी तक जा रही है तो जो ज़ीरो टर्म है यहाँ पे ज़ीरो आ गया, यहाँ पे भी ज़ीरो आ गया, यहाँ पे भी ज़ीरो, और यहाँ पे भी आपके पास ज़ीरो, तो ये वाली टर्म बन गई। ठीक है, और बाकी जो समीशन है वो एन इज इक्वल टू वन से शुरू होगा और बाकी टर्म एज इट इज़ उसमें आ जाएंगी। ठीक है, सो ये वाला जो पोर्शन है एन इज इक्वल टू ज़ीरो के लिए है और यहाँ पर आपके पास एन इज इक्वल टू वन टू ऑनवर्ड इन्फिनिटी तक एज इट इज़ समीशन रह गया। फिर उसके बाद ये वाली टर्म एज इट इज़ और ये वाली टर्म में से इसमें भी हम लोग जीरो टर्म को सेपरेट कर लेंगे और वन से स्टार्ट करेंगे, इस तरह से हमारे पास तमाम सबमिशन जो है वो वन से स्टार्ट हो रही होगी, इस वजह से हम थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। सो यहाँ पे एन इज इक्वल टू जीरो को जब लिखेंगे ए ज़ीरो और एक्स ज़ीरो आ जाएगा और प्लस वन से ऑनवर्ड सबमिशन आपके पास इस तरह से आ गया। अब इसमें से अगर आप लोग सिंप्लीफिकेशन करें तो यहाँ पे गौर करें, एक्स नॉट रेज टू पावर ज़ीरो
या एक्स रेज टू पावर जीरो, या आपके पास वन, यहाँ पे वन, और इनको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास टू ए टू और प्लस ए नॉट आ जाएगा। यहाँ पे एन इज इक्वल टू वन से लेके इन्फिनिटी जो है वो समेशन कॉमन आ गया, एक टर्म आपके पास ये वाली आ जाएगी, एक टर्म आपके पास ये वाली आ गई, दूसरी टर्म आपके पास ये वाली आ जाएगी, एक्स एन इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, वो भी यहाँ पे आपके पास कॉमन आ गया। अब आपके पास दो पोर्शन है इस इक्वेशन के, एक आपके पास ये वाला पोर्शन है और दूसरा आपके पास ये वाला पोर्शन है। इसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, टू ए टू इज प्लस ए नॉट इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से ए टू निकाल सकते हैं विच इज माइनस वन बाई टू ए नॉट, और यहाँ से जब हम लोग इतने पोर्शन को निकालेंगे तो समीशन को भी हम लोग सेपरेट रख देते हैं बिकॉज हम लोग इसकी जनरलाइज फॉर्म लेके आना चाह रहे हैं। तो ये वाला पोर्शन जो है वो आपके पास इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, यानी कि ये दो ये इक्वेशन इक्वल टू जीरो तब होगी जब ये वाला पोर्शन जीरो होगा, या फिर आपके पास ये या की बजाय दोनों पोर्शन क्या होंगे आपके पास जीरो के इक्वल होंगे। ठीक है, सो एन प्लस टू एन प्लस वन ए एन टू माइनस दिस टर्म, एंड यहाँ से ए एन कॉमन लिया हुआ है तो टू एन माइनस वन ए एन इज इक्वल टू जीरो, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो रिलेशन आएगा दैट विल बी इक्वल टू, ये दूसरे साइड पर जाके जमा हो जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा, जबकि ए नॉट और ए वन जो हैं वो आपके पास इनिशियल कंडीशंस हैं जो हम लोग इसको प्रोवाइड करेंगे, वो कोई भी आर्बिट्रेरी इनिशियल कंडीशंस हो सकती हैं। सो आपके पास रिलेशन जो है वो इस फॉर्मेट में आ चुका हुआ है, इस फॉर्मेट को यूज़ करते हुए हम लोग नेक्स्ट टर्म्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हमारे पास जो फाइनल टर्म आई थी वो आपके पास कुछ इस तरह से थी, इसमें हम लोग एन की वैल्यूज को चेंज करते जाएंगे और रिलेशन आपके पास वेरी करता जाएगा, और हमने रिलेशन को जो है वो ए नॉट और ए वन की फॉर्म में लेना है क्योंकि प्रीवियस आपके पास ए नॉट और ए वन जो थे वो इनिशियल कंडीशंस थी। सो यहाँ पे जब मैं एन इज इक्वल टू जीरो पुट करूंगा तो आपके पास एन की जगह पे जीरो आ जाएगा, तो ओवरऑल ए टू टर्म आ जाएगी, यहाँ पे एन इज इक्वल टू जीरो तो माइनस वन ओवर एन जीरो, यहाँ पे भी जीरो तो टू इंटू वन टू डॉट वन आ गया, और एन की जगह पे जीरो आ गया तो ए नॉट टर्म आ गई। अब सिमिलरली जब हम एन इज इक्वल टू वन पुट करेंगे तो यहाँ पे जब वन पुट करेंगे तो ए थ्री कैलकुलेट होगा, यहाँ पे वन पुट करें टू माइनस वन वन आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा वन प्लस टू थ्री, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा वन प्लस वन टू आ जाएगा, और साठ डॉट वन कर दिया ताकि हम लोग फ्यूचर में इसको फैक्टोरियल फॉर्म में लिख सकें। सो वन से मल्टीप्लाई करने से इसको फर्क भी नहीं पड़ेगा, तो ए एन एन की जगह पे वन आ गया तो आपके पास ए वन आ गया। सिमिलरली उसके बाद जब एन की वैल्यू टू पुट करेंगे तो आपके पास एन टू प्लस टू क्या हो जाएगा फोर, तो ए फोर्थ टर्म कैलकुलेट होगी, इसमें आपके पास टू इंटू टू फोर, फोर माइनस वन थ्री, तो यहाँ पे देखें थ्री आ गया, टू प्लस टू फोर, यहाँ पे फोर आ गया, और टू प्लस वन थ्री, तो थ्री आ गया, यहाँ पे ए टू आ गया, ए टू हम लोगों ने प्रीवियसली कैलकुलेट कर लिया हुआ है जो कि इस चीज़ के इक्वल है। ये वाली जब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे टू थ्री और फोर बाई थ्री एज इट इज आ गया, और ए टू की जगह माइनस वन बाई टू डॉट वन और ए नॉट एज इट इज आ गया, तो यानी कि ए फोर भी आपके पास किस फॉर्मेट में आ गई, ए नॉट की फॉर्म में आ गई। सिमिलरली जब हम लोग थ्री पुट करेंगे तो ए फाइव कैलकुलेट होगा, और सिक्स माइनस वन फाइव, सिक्स थ्री प्लस टू फाइव, थ्री प्लस वन फोर, तो ए थ्री सात आ गया, ए थ्री की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हुए हैं, सो ए थ्री की वैल्यू ये वाली पुट करेंगे तो आपके पास ये कि ए फोर और ए फाइव जो हैं वो ए नॉट और ए वन की फॉर्म। सिमिलरली ए सिक्स और ए सेवन कैलकुलेट हो जाएगा, ए एट और ए एंड सो ऑन, हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करते जाएंगे और आपके पास जो टर्म है वो ए नॉट और ए वन की फॉर्म में आती जाएगी। अब हम लोगों ने शुरू में सपोज किया था कि ये जो आपके पास फंक्शन है वाई, उसको हम लोग किस फॉर्मेट में रख सकते हैं, इस समेशन फॉर्म में रख सकते हैं। इस समेशन को जब हम लोग ओपन करते हैं तो ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एम सोन, इस तरह से आपके पास टर्म्स आती जाती हैं। तो ए नॉट और ए वन एक्स एज इट इज आ गया, उसके बाद आपके पास ए टू
एक्स स्क्वेयर था। तो ए टू की जो वैल्यू थी वो हम लोग यहाँ पे अगर गौर करें तो वो आपके पास कुछ ये वाली थी, ठीक है। ए टू की वैल्यू एक्स स्क्वेयर के साथ आ ला के पुट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगी। उसके बाद ए थ्री एक्स क्यूब था, तो ए थ्री की वैल्यू जो थी आपके पास ये वाली थी, और उसको आ ला के हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो आपके पास ये वाली चीज़ आ जाएगी। एंड सोन जब वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो आपके पास फाइनल फॉर्मेट जो है वो ये वाला बन जाएगा। यहाँ पर अगर आप लोग गौर करें तो एक टर्म ए नॉट की है, दूसरी ए वन, फिर ए नॉट ए वन, तो हम लोग ए नॉट की टर्म सेपरेट कर लेते हैं, ए वन की टर्म्स को सेपरेट कर लेते हैं। सो ए नॉट इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और एंड सो ऑन। हमने कुछ 10-12 टर्म्स ऊपर लिख ली थी ऑलरेडी, तो ए नॉट कॉमन ले लिया, फिर उसके बाद सिमिलरली ए वन कॉमन जिन टर्म्स में था उनको यहाँ पर डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पे एक चीज़ गौर करें, इसको मैंने के नॉट का नाम दिया है, इसको के वन का, के टू का, के थ्री का, के फोर का, एंड सिमिलरली एम नॉट, एम वन, एम टू, एम थ्री एंड सो ऑन, ताकि मैं इसकी जनरलाइज टर्म जो है वो डिफाइन कर सकूँ। यहाँ पे देखें, ऊपर देखें तो न्यूमरेटर के अंदर वन, फिर उसके बाद थ्री, फिर सेवन थ्री वन, फिर एलेवन सेवन थ्री वन, तो आपके पास इस तरह से टर्म्स आ रही हैं। एंड सिमिलरली यहाँ पर जो है वो आपके पास वन फाइव वन, नाइन फाइव वन, थ्री नाइन फाइव वन, तो इसका रिलेशन जो है वो हम लोगों ने डिवेल्प करना है। सो नेक्स्ट टर्म के अंदर अगर आप लोग गौर करें तो यहाँ पे उसको हम लोग इसको सबमिशन फॉर्म में भी इस तरह से लिखा जा सकता है। पहली दो टर्म्स के हट के जो सबमिशन है वो आपके 4k-5 की फॉर्म में जा सकती है ओवर 2k फैक्टोरियल। इसको आप लोग खुद गौर से देख लें, अगर k की वैल्यू इसको 2 से स्टार्ट करेंगे, 0 और 1 ये वाली हैं, 2 से स्टार्ट करेंगे तो आपके पास तमाम रिलेशन इन्फिनिटी तक वही आते जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर आपके पास 4m-3 है और 2m+1 है और एक्स रेज पावर 2m+1, एम की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, 0 वाली हमने यहाँ पर रखी हुई है। सो इस तरह से इसको हम लोग मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो आपके पास ये वाला जो है वो फाइनल सॉल्यूशन होगा उस फंक्शन का। सो इसी को हम लोगों ने क्या करना है, मैथमेटिका के ऊपर इंप्लीमेंट करना है। सो मैथमेटिका के ऊपर इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग जो है इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। सो होपफुली अगर कोई मसला होगा तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं।